गई है पूरी। कल बंद्रा में 11 पैक्सों के 66 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 13,970 मतदाता। बंद्रा प्रखंड में कल चुनाव कार्य कराए जाने हैं। प्रखंड क्षेत्र में सोमवार को होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर सभी बूथों पर पेट्रोलिंग टीम रविवार की देर शाम तक पहुंचती रही। इस बीच प्रत्याशियों के द्वारा भी अंतिम स्तर तक वोटरों को अपने पक्ष में करने के हर प्रयास किए जाते रहे। बंद्रा प्रखंड निर्वाचन कार्यालय से देर शाम जानकारी मिली है कि प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए कुल 32 प्रत्याशी तथा कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए कुल 34 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बंद्रा प्रखंड में 11 पैक्सों में अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए चुनाव कार्य कराए जा रहे हैं। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कुल 13,970 वोटर सोमवार को अपने मताधिकार का प्रयोग कर करेंगे। बंद्रा के वीडियो अलक निरंजन ने देर शाम बताया कि मतदान के लिए कुल 24 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 14 संवेदनशील तथा 10 अति संवेदनशील बूथ शामिल हैं। सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान कार्य कराए जाएंगे। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। प्रखंड को एक जोन में बांटकर सेक्टर पेट्रोलिंग तथा स्टैटिक्स मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। बंद्रा प्रखंड के मुख्यालय में बीआरसी भवन को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसके प्रभारी सीआई गंगालाल बैठा को बनाया गया है। मंगलवार को न्यू बीआरसी भवन में मतगणना का कार्य किया जाएगा। चुनाव कार्य के दौरान प्रखंड में हेल्पलाइन कोषांग भी सक्रिय रहेगी, जिसका नंबर 7250-7163-67 तथा 94318-18500 है। चुनाव से संबंधित शिकायतें प्रखंड निर्वाचन कार्यालय में की जा सकती है। वीडियो ने बताया कि किसी भी शिकायत के 10 मिनट के अंदर पेट्रोलिंग टीम बूथों पर पहुंच जाएगी। इस तरह की व्यवस्था की गई है। चुनाव के दौरान या इसके बाद या पहले इससे जुड़ी हुई अगर कोई समस्या या समाधान की बात हो तो आप A2Z न्यूज लाइव के 99 342 85 461 नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं।